अब आप मॉडुलस समझ चुके हैं क्या होता है और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीख लिया। तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 में, हम आज उनको देख लेते हैं। तो फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसका मुझे मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उसे कंपेयर कराओगे जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कराओगे। कंपैरिजन कराने पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन, ओके, एंड वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो सबसे पहला काम है एक्स और वाई निकाल लेना, अगर ये निकल गया फिर निकालना सब कुछ बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे, मुझे निकालना है मॉडुलस, और मॉडुलस मैंने पढ़ा है इसको आर से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ करता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस वन इसका स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट थ्री इसका स्क्वायर, ओके, ये तो बिल्कुल आसान है। इसके बाद अंडर रूट, आगे माइनस वन का स्क्वायर कितना, प्लस वन, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कितना, थ्री, रूट थ्री स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा, है ना, और माइनस का स्क्वायर किया होगा तो प्लस का बना होगा, ठीक है। आगे ये कितना बनेगा, फोर, और यहाँ से सॉल्व होकर मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मॉडुलस निकालना तो बिल्कुल आसान हो गया, इसका मतलब कंपैरिजन कराओ, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और एक्स और वाई की वैल्यू उठाकर फॉर्मूले में पुट कर दो मॉडुलस के, आंसर सामने आ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें निकालनी है आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट भी आपको निकालना आता है, इसका आपने प्रोसीजर पढ़ा है कैसे पढ़ते हैं, कैसे करने हैं इसको। सबसे पहली चीज़ हमें निकालनी है, आपको याद होगा, अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, लगा दीजिए, टेन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, वाई अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट थ्री अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, ये ठीक है, बिल्कुल आसान चल रहा है अभी तक तो। इसके बाद टेन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो रूट थ्री अपॉन वन कितना आ जाएगा, रूट थ्री, ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की। अच्छा, आगे सॉल्व करो, तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, रूट थ्री, रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेन, रूट थ्री कब होता है, रूट थ्री 60 डिग्री पर होता है ना, तो 60 डिग्री का मतलब कितना, पाए बाय थ्री, ऐसा, ठीक है ना, रूट थ्री को हमने क्या लिख दिया, टेन पाए बाय थ्री, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, पाए बाय थ्री, ये आ गया हमारे पास अल्फा का आंसर, ठीक है। बट अल्फा आर्ग्यूमेंट नहीं होता, ये भी आपने पढ़ा है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, है ना, और आर्ग्यूमेंट थीटा जो होता है वो भी आपने पढ़ा है कि वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर, किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। तो उसके लिए आपने जो रूल पढ़ा है वो आपको याद होगा, वो इस तरह से होगा कि पहले वाले केस में जो थीटा होता है वो अल्फा के इक्वल होता है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात हो रही है तो थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस पाई प्लस अल्फा के इक्वल, ठीक है ना, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस अल्फा के, ये आप पढ़ चुके हो पहले से, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, है ना। तो अब आपको क्या करना है, जब आपके पास अल्फा का आंसर आ जाएगा तो उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट के लिए है। तो इसमें देख लीजिए आप, एक्स की वैल्यू कैसी है, माइनस की, वाई की वैल्यू कैसी है, माइनस की, ठीक है, एक्स और वाई दोनों माइनस किस क्वाड्रेंट में होते हैं, तो आंसर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं, एक्स यहाँ पर नेगेटिव होता है और यहाँ पर वाई नेगेटिव होता है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट का, और थर्ड क्वाड्रेंट, या थर्ड क्वाड्रेंट लिख लिया करो, या ये लिख लिया करो कि एक्स कैसा है, नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो है, एंड वाई भी क्या है, लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट पर थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस पाई प्लस अल्फा के, ठीक है ना, इसके इक्वल होता है, तो माइनस पाई ऐसे ही, ठीक है, प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, पाई बाय थ्री,
इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 3 पाई और प्लस का पाई कितना, माइनस का 2π/3। ये मेरे पास थीटा रहा, यानी कि आर्गुमेंट आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक। तो बिल्कुल आसान तरीके से आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो उसको कंपेरिजन करा लो x प्लस आयोटा वाई से। वहाँ से x की वैल्यू आ जाती है और y की वैल्यू आ जाती है। फिर x और y पता है तो मॉडुलस निकालने के लिए ये फॉर्मूले में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, मॉडुलस का आंसर आ जाता है। आर्गुमेंट निकालने के लिए इस फॉर्मूले में y और x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाती है, अल्फा की वैल्यू आ जाती है। अब अल्फा की वैल्यू आ जाने के बाद क्या करते हैं, क्या अल्फा हमारा आर्गुमेंट है, तो आंसर है नो, अल्फा हमारा आर्गुमेंट का आंसर नहीं होता है। क्योंकि आर्गुमेंट जो होता है वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। ये सिर्फ हमें क्या देता है, ये हमें सिर्फ एंगल बताता है, पॉजिटिव एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो भी पॉजिटिव एंगल बन रहा हो। तो हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेंट पहले डिसाइड करना होता है। तो क्वाड्रेंट डिसाइड करो, तो क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं, एक्स की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर कैसी है माइनस, वाई की वैल्यू कैसी है माइनस की, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट रहा होगा, तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस पाई प्लस अल्फा के। वहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, आंसर सामने आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखो तब बात ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर है 2, सबसे पहला स्टेप बताइए क्या करना होता है। सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन को कंपैरिजन करा लो किससे, x प्लस आयोटा वाई से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंपैरिजन कराने पर, माइनस का रूट 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है ना। x पता चल गया, y पता चल गया, अब आपको क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस बड़े आराम से निकाल लोगे, मॉडुलस, मॉडुलस r इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स यानी कि माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस वाई यानी कि 1 का स्क्वायर, ऐसे इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस का 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आया, रूट 4। या मैं कह सकता हूँ कि r की वैल्यू क्या आएगी, 2, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर r की दो वैल्यू आएंगी, आपको पता है, प्लस का माइनस का 2। लेकिन हम जब मॉडुलस निकालते हैं तो वो मोड होता है, तो मोड का मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा उसका वो कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव वाला। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका मॉडुलस, और मॉडुलस निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। और आर्गुमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हुआ करता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, टेन इनवर्स वाई, वाई हमारे पास कितना है, 1, ओके। एक्स कितना है, माइनस रूट 3, ये ठीक है। तो टेन इनवर्स इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3, है ना। ये मोड के बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद टेन इनवर्स 1/√3 कब होता है, जब टेन कितना होता है, 5/6 यानी कि 30 डिग्री, है ना। 1/√3 कब होता है टेन पर, 30 डिग्री पर ना। तो उसको क्या लिख दोगे, 1/√3 की जगह क्या लिख दोगे, ये 10π/6। कहीं 10π/6 लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं, 1/√3। तो कहीं 1/√3 लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, 10π/6, है ना। तो इस 10 से ये 10 इनवर्स कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, 5/6। कभी भी यहाँ पर कैंसिल करने का साइन मत लगाना, ठीक है, ध्यान रखना। क्या करना है, इसको कैंसिल करने का साइन ही लगाना, केवल आपको समझाने के लिए मैं ये कह देता हूँ कि इससे ये कैंसिल हुआ। एक्चुअल में क्या होता है वो क्लास 12th में जब आप यूनिवर्सिटी ग्रोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ मैं समझा दूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। अभी के लिए सिर्फ ये, अभी कहना शुरू कर दो कि इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आ गया, 5/6। लेकिन कभी ऐसा कट मत लगाना, ठीक है ना। अच्छा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5/6। क्या अल्फा आर्गुमेंट का आंसर है, नो, ये आर्गुमेंट का आंसर नहीं है। आर्गुमेंट का आंसर होता है थीटा। तो वो थीटा कैसे निकालते हैं, तो यानी कि थीटा डिपेंड करता है इस बात पर कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो
तो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो x कैसा है, नेगेटिव, और y कैसा है, पॉजिटिव। x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, तो हमने पढ़ा है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा के इक्वल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा हमने पढ़ा है पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने थीटा पढ़ा है माइनस पाई प्लस अल्फा के इक्वल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है थीटा माइनस अल्फा के इक्वल होता है। अब क्योंकि x नेगेटिव है तो नेगेटिव x तो इधर आता है और पॉजिटिव y इधर आता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस अल्फा के, ठीक है ना। तो पाई माइनस अल्फा यहाँ पर लिख लीजिए, तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय सिक्स, इसको सॉल्व कर दीजिए तो सिक्स में से पाई गया तो ये कितना आ जाएगा, फाइव पाई बाय सिक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले x और x प्लस आईटा वाई से कंपैरिजन करा के x और y की वैल्यू आ जाती है, उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो मॉडुलस निकल जाता है, फिर x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर जो भी हो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो वो बाहर आएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, फिर वन बाय रूट थ्री को टेन पाई बाय सिक्स लिख लेंगे, टेन से टेन कैंसिल तो क्या आ जाएगा, पाई बाय सिक्स। बट ये आर्ग्यूमेंट का आंसर नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड करता है किस पर, कि थीटा का आंसर जो आर्ग्यूमेंट का आंसर होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो माइनस और प्लस का वाई, माइनस का एक्स प्लस का वाई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, पाई माइनस अल्फा करके, तो वो वहाँ पर वैल्यू पुट कर दो पाई माइनस अल्फा में, अल्फा की वैल्यू जैसे पुट करोगे तो आपका आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, फाइव पाई बाय सिक्स। तो ये है बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन। तो आपने पोलर फॉर्म पढ़ ली कि पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है, तो आंसर है जेड इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, ये पोलर फॉर्म होती है। अब आपके सामने कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और उसकी आपको क्या, उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आंसर है सबसे पहले तो उसके मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि आर की, दूसरी चीज़ उसके आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी आती हैं, आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ये देख लिया कि आर कैसे निकालते हैं और थीटा कैसे निकालते हैं, तो इन जितने भी पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं उन सब में भी वो काम आपको करना है, पहले आर निकालना है फिर थीटा निकालना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसको लिख लो जेड के इक्वल, जेड इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, वन माइनस आयोटा, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये करना है कि आपको उसे कंपैरिजन कराना है एक्स प्लस आयोटा वाई से, एक्स प्लस आयोटा वाई से जब कंपैरिजन कराओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, वन, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन, ठीक है। ये काम तो बिल्कुल आसान है, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। अब इसके बाद निकाल लो इसका मॉडुलस, जिसे हम R से डिनोट करते हैं या Z का मॉडुलस ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी, 1, प्लस y की वैल्यू कितनी, माइनस 1, ऐसे इसको आगे सॉल्व कर दो, कितना आएगा, 1 प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो आंसर कितना आ गया, रूट टू। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखने के लिए एक तो आर की जरूरत पड़ेगी, तो वो आर तो आपने निकाल लिया, है ना, ये काम हो गया, एक काम मॉडुलस आपने निकाल लिया। दूसरी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट की। तो इन क्वेश्चन में क्या किया करो, सबसे पहले तो निकाल लिया करो मॉडुलस, सबसे पहला काम, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो दूसरा काम यहां पे कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स, ये लिख लोगे आप, है ना, फिर इसके बाद इसमें वाई अपॉन एक्स में वैल्यू पुट कर दो, वाई की और एक्स की, वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस वन अपॉन, एक्स की वैल्यू कितनी है, वन, ये ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, टेन इनवर्स
माइनस वन अपॉन वन कितना आएगा, माइनस वन, और माइनस वन को मोड से बाहर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, वन। ठीक है, अब टेन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है, वन कब होता है तो कहीं पर अगर टेन फोर्टी फाइव लिखाओ, टेन फोर्टी फाइव मतलब पाई बाय फोर, तो टेन पाई बाय फोर अगर कहीं लिखाओ तो उसे क्या लिख सकते हैं, वन। तो इसका मतलब कहीं वन लिखाओ तो उसे क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाय फोर। अब इस टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट तो क्या बचेगा, पाई बाय फोर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, अल्फा की वैल्यू। बट मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, थीटा, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है ना। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो आंसर है थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहेगा। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो कैसे डिसाइड करते हैं, इसे देख के कि एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, वाई की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने पढ़ा है कि थीटा इक्वल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा के, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फा के, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस पाई प्लस अल्फा के, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वल होता है माइनस अल्फा के। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है। तो अभी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस अल्फा, यानी कि माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी, पाई बाय फोर। तो थीटा का आंसर कितना आएगा, माइनस का पाई बाय फोर। ये समझ आ गया, ठीक है। अब थीटा पता है, आर पता है, पोलर फॉर्म लिख दीजिए। तो पोलर फॉर्म क्या होगी, तो आंसर है जेड इक्वल्स टू आर। आर हमारे पास कितना है, रूट टू कॉस थीटा, कॉस थीटा। थीटा हमारे पास कितना है, माइनस पाई बाय फोर प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू फिर से कितनी है, माइनस पाई बाय फोर। तो थीटा की जगह सब जगह माइनस पाई बाय फोर लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गई, पोलर फॉर्म। बिल्कुल आसान है ना। तो देखिए फिर से, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसे जेड के इक्वल लिखना है सबसे पहला काम, दूसरा काम उसे x प्लस आयोटा वाई से कंपेरिजन कराकर x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। फिर हमने सोचा कि पोलर फॉर्म निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो r की जरूरत पड़ेगी और थीटा की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों के हमें फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। तो r का फॉर्मूला हमें क्या आता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ये r की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमें थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो अल्फा का आंसर आ जाएगा। जब अल्फा का आंसर आ जाएगा तब थीटा की वैल्यू आएगी हमारे सामने, और वो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आंसर है कि वो डिपेंड करेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की नेगेटिव है, यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा के। तो अगर अल्फा की वैल्यू पाई बाय फोर है तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय फोर होती होगी, ठीक है। तो अब थीटा पता चल गया, आर पता चल गया, दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी, ये हमारे पोलर फॉर्म का आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से और प्रैक्टिस करिए तो बात और ज़्यादा समझ आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर्थ, सबसे पहला स्टेप बताइए क्या है। सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन को जेड के इक्वल लिख लो, माइनस वन प्लस आयोटा, ओके। फिर क्या स्टेप है, इसके बाद जेड इक्वल टू क्या करना होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई से इसे कंपेरिजन कराना है। कंपेरिजन कराने पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का वन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इसके बाद हमें निकालना होता है मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस आर या जेड मॉडुलस किसके इक्वल होता है, तो आंसर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान चल रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस वन, वाई की वैल्यू कितनी, वन, ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान हो गया। इसके बाद आगे माइनस वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, तो आंसर कितना आया, रूट टू। ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब पोलर फॉर्म बनाने के लिए आर के अलावा और किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है? आर्ग्यूमेंट की। तो फिर से अब दूसरी चीज़ हम क्या निकाल के रख लें? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? तो आर्ग्यूमेंट के लिए पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या होता है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हुआ करता है। तो टेन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है। वाई, वाई कितना है हमारा? वन। ओके, एक्स कितना है? माइनस वन, ये ठीक है। अब आगे टेन इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस वन। अच्छा, और आगे सॉल्व कर लीजिए, टेन इनवर्स माइनस वन मोड से बाहर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का वन, ठीक है ना। अब इसके बाद टेन इनवर्स, कहीं वन लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं? टेन फोर्टी फाइव, है ना। टेन फोर्टी फाइव अगर कहीं लिखा हो तो उसे वन लिख सकते हैं, तो वहीं वन लिखा हो तो उसे टेन फोर्टी फाइव यानी टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं। अब टेन से टेन कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई फोर, ठीक है। अल्फा निकल जाने के बाद अब हमारा आर्ग्यूमेंट हम निकाल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर, और क्वाड्रेंट के केस में थीटा आर्ग्यूमेंट इक्वल होता है अल्फा के, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में इक्वल होता है वो पाई माइनस अल्फा के। थर्ड क्वाड्रेंट में इक्वल होता है माइनस पाई प्लस अल्फा के। फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वल होता है माइनस अल्फा के। अब आप ये डिसाइड कर लो कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वो कैसे डिसाइड करते हैं? एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव, देखिए ये एक्स है, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, तो एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है? तो आंसर है पाई माइनस अल्फा के, ठीक है। तो पाई ऐसे ही, ठीक है, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी? पाई बाय फोर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? थ्री पाई बाय फोर। ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ गया। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, पहले था मॉडुलस चाहिए, तो ये निकाल लिया। दूसरा क्या चाहिए? आर्ग्यूमेंट, ये निकाल लिया। अब फाइनली हम तीसरी चीज लिख सकते हैं, वो है हमारी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? तो पोलर फॉर्म होती है जेड इक्वल्स टू आर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हुआ करती है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए आर, आर की वैल्यू देखिए कितनी आई है? रूट टू। तो आर निकाल लिया था हमने, रूट टू कॉस। थीटा की वैल्यू कितनी आई है? थ्री पाई बाय फोर, तो थीटा की जगह लिख दो थ्री पाई बाय फोर प्लस आयोटा साइन, फिर से थीटा की वैल्यू क्या? थ्री पाई बाय फोर। ये आपकी पोलर फॉर्म लिख गई। तो बिल्कुल आसान होता है पोलर फॉर्म निकालने के लिए, आर निकाल लो और थीटा निकाल लो। आर निकाल लो मतलब क्या निकाल लो? मॉडुलस, वो तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर आ जाता है। फिर निकाल लो थीटा, थीटा भी बिल्कुल आसान होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो अल्फा आ जाता है। फिर इनसे क्वाड्रेंट डिसाइड करके थीटा का फॉर्मूला डिसाइड कर लो कौन सा वाला लगेगा, वहां से थीटा आ जाता है। तो आर पता है, थीटा पता है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाता है, छोटे बच्चों वाली चीज़ है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है सॉरी ये है नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन, और इसमें जेड किसके इक्वल है? माइनस वन माइनस आयोटा। सबसे पहले जेड के इक्वल लिख लो, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपैरिजन कराते हैं। तो एक्स हमारे पास कितना आएगा? माइनस वन। वाई हमारे पास कितना आएगा? माइनस वन, ठीक है। एक्स और वाई निकल चुके हैं, पहला काम क्या है? पहला टास्क है हमारे पास मॉडुलस निकालना, ठीक है। मॉडुलस जो होता है वो इक्वल होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट एक्स यानी कि माइनस वन का स्क्वायर, वाई यानी कि माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो आंसर कितना आया? रूट टू। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई कितनी? रूट टू, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद सेकंड टास्क जो है मेरे पास वो है आर्ग्यूमेंट निकालना। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मोड, ये फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है। तो इसमें भी वैल्यू पुट कर दो, तो
तो टेन इनवर्स वाई, वाई कितना है माइनस वन, एक्स कितना है माइनस वन, यहाँ पुट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स वन। ठीक है, अब टेन इनवर्स वन कहीं पर लिखा हो तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाय फोर, है ना, टेन से टेन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा पाई बाय फोर। ये मेरे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, अल्फा का आंसर। अब आपको पता है कि अल्फा का आंसर आर्गुमेंट नहीं होता है, आर्गुमेंट थीटा होता है, और वो थीटा किस पर डिपेंड करता है कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये है हमारे पास पॉजिटिव एक्स, ये है नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ठीक है ना। तो जो आर्गुमेंट थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा के इक्वल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा के इक्वल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा के इक्वल होता है। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए लिख देता हूँ कि जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको याद हो जाएं ये सारी चीज़ें, है ना। अब हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, तो क्वाड्रेंट x कैसा है, नेगेटिव, y कैसा है, नेगेटिव, x नेगेटिव हो y नेगेटिव हो, तो x नेगेटिव हो y नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा के। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा के, तो माइनस पाई ऐसे ही, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है पाई बाय फोर, इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना बनेगा, माइनस का फोर पाई प्लस पाई माइनस का थ्री पाई बाय फोर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं उनमें से आर हमारे पास है, ठीक है, मॉडुलस निकल चुका, आर्गुमेंट यानी थीटा हमारे पास है, अब हम क्या लिख सकते हैं बड़े आसानी से, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी आई है, रूट टू कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, माइनस का थ्री पाई बाय फोर, ये अच्छा, प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा यानी कि माइनस का थ्री पाई बाय फोर, ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई। तो बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, सबसे पहले आर निकाल लो, उसके बाद थीटा निकाल लो, अल्फा निकाल लो, अल्फा निकालने के बाद क्वाड्रेंट डिसाइड करके थीटा निकाल लो, ये देख लो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट यहाँ से देख लेते हैं, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं माइनस पाई प्लस अल्फा, वो वहाँ पर पुट कर दोगे तो थीटा आ जाएगा, आर पता है थीटा पता है, वैल्यू पुट करोगे पोलर फॉर्म निकल जाएगी, है ना। ओके, तो अब देखिए एक और आसान वाला क्वेश्चन आ गया, इसी क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप वही है हमारा, जेड इक्वल्स टू मान लेना है क्वेश्चन को माइनस थ्री, है ना, अब यहाँ पर आयोटा वाला टर्म नहीं है तो अपनी तरफ से प्लस जीरो आयोटा लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसको कंपेरिजन कराओगे किससे, एक्स प्लस आयोटा वाई से, है ना, तो कंपेरिजन कराने पर हमें x क्या मिलेगा माइनस थ्री और y क्या मिलेगा जीरो, ठीक है, बिल्कुल आसान है यहाँ तक। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या निकालते हैं, सबसे पहली चीज़ हम निकालते हैं मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस निकाल लेते हैं, तो मॉडुलस इक्वल्स टू हमारे पास होता है r इक्वल्स टू x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दो, x कितना है माइनस थ्री प्लस वाई कितना है जीरो, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर कितना नाइन और ये जीरो का स्क्वायर थर्टी जाएगा, तो हमारे पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, बिल्कुल आसान है यहाँ तक, आर की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आर्ग्यूमेंट निकालना, तो आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं, आर्ग्यूमेंट, तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं हमारे पास, अल्फा निकालने के बाद हम आर्गुमेंट निकाल लेते हैं। बट आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली कैसा है, रियल, इसमें क्या नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये प्योरली रियल है। अगर प्योरली रियल होगा तो उसका आर्गुमेंट क्या होता है, तो उसके आर्गुमेंट तो फिक्स हैं, ये आपने पढ़े हैं,
उसके आर्गुमेंट फिक्स हुआ करते हैं। मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो आंसर वो होते हैं माइनस पाई से ग्रेटर होता है थीटा की वैल्यू या लेस देन और इक्वल्स टू पाई। मतलब इस बात का मतलब ये है कि यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो जीरो, और यहाँ पर कितना होता है पाई बाय टू, फिर पाई बाय टू के बाद जब इतना एंगल घूम जाते हो इधर तो ये कितना हो जाता है पाई, है ना। अच्छा, इधर से चलना शुरू करते हो आप जब स्क्वाड्रेंट में पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, तो आप इधर की तरफ चलते हो तो ये कितना आ जाता है माइनस पाई बाय टू, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो आप ये समझो कि अगर मान लो यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेंट अगर होता तो उसके लिए तो हमने फॉर्मूला बनाए हैं कि थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पर अल्फा के इक्वल, यहाँ पर थीटा किसके इक्वल होगा पाई माइनस अल्फा के इक्वल, यहाँ पर थीटा किसके इक्वल होगा माइनस पाई प्लस अल्फा के इक्वल। अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा किसके इक्वल होगा माइनस अल्फा के इक्वल। लेकिन अगर रियल वैल्यूड फंक्शन होगा तो वो कहाँ पर लाई कर रहा होगा, रियल एक्सिस पर, कहाँ पर लाई करेगा रियल एक्सिस पर। और अगर प्योरली इमेजिनरी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो कहाँ पर लाई करेगा, आपको पता है इमेजिनरी एक्सिस पर, है ना, इमेजिनरी एक्सिस। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए जो आपने पढ़ी होंगी कंसेप्ट वाली क्लास में, कि रियल एक्सिस ये होती है हमारी और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें हमारे पास प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो, प्योरली रियल, तो उस प्योरली रियल का वो प्योरली रियल वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर लाई करता होगा, तो आंसर है रियल एक्सिस पर। और रियल एक्सिस पर उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो आंसर है अगर पॉजिटिव अगर होगा, अगर पॉजिटिव अगर रियल वाला नंबर, अगर ये नंबर गिवन जो है वो पॉजिटिव होगा तो थीटा की वैल्यू जीरो होगी, अगर नेगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी पाई, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर पाई, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। फिर से अगर मान लो हमारे पास इमेजिनरी वाला नंबर गिवन होता, सिर्फ इमेजिनरी, तब उस केस में क्या करते, तो अगर वो इमेजिनरी वाला नंबर, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 आयोटा, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा है पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव इमेजिनरी है तो इसके लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा पाई बाय टू, ठीक है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए सर माइनस का 2 आयोटा होता, तो इमेजिनरी नंबर है तो यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा, और नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस पाई बाय टू, ठीक। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास 2 गिवन है केवल, ठीक है, तो ये कैसा है प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल नंबर है तो कहाँ पर लाई करेगा रियल एक्सिस पर, अब पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी जीरो, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता सर तो उस केस में क्या करते, तो देखो अगर ये कैसा नंबर है प्योरली रियल है तो कहाँ पर लाई करेगा रियल एक्सिस पर, रियल एक्सिस पर लाई करेगा, और नेगेटिव है इसलिए आंसर कितना होगा थीटा का पाई, ठीक है ना। तो इस तरह से देखते हैं, तो क्वाड्रेंट के लिए तो ये फॉर्मूले होते हैं, और ऑन द एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है तो थीटा की वैल्यू जीरो होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो रियल वैल्यू क्या थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई, अगर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो पाई बाय टू, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस पाई बाय टू, इस तरह से हुआ करता है। तो हमारे पास अभी देखो कैसा नंबर है रियल, और रियल भी कैसा है, रियल है तो कहाँ पर लाई कर रहा होगा रियल एक्सिस पर, अच्छा रियल एक्सिस पर भी ये कैसा कहाँ पर होगा नेगेटिव वाली रियल एक्सिस पर, अगर नेगेटिव वाली रियल एक्सिस पर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई, ये हमारे पास आ गई थीटा की वैल्यू डायरेक्टली, ना अल्फा निकालना पड़ा ना कुछ निकालना पड़ा, ठीक है। तो अब हमारे पास हम लिख सकते हैं इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की जरूरत थी, आर हम निकाल चुके थे, कितना आर की वैल्यू आई है 3 इंटू कॉस थीटा हमारे पास कितना है पाई प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू, ये आपके सामने पोलर फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लियर रखेंगे चीज़ों को, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा कोई और उसकी पोलर फॉर्म निकालनी होगी तो पहले हम उसका निकालेंगे मॉडुलस,
फिर हम उसका निकालेंगे आर्गुमेंट, क्योंकि हमें मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी और आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें प्योरली इमेजिनरी नंबर हो या प्योरली रियल नंबर हो, तो उस वाले केस में मॉडुलस तो वैसे ही निकलता है, बट जब उसका आर्गुमेंट निकालते हैं तो हमें अल्फा नहीं निकालना पड़ता है, क्योंकि वो जो रियल वाले जितने भी प्योर रियल वाले आपके नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके लिए हमने एंगल की वैल्यू फिक्स की हुई है। इस वाली एक्सिस पर सभी जगह पर एंगल कितना रहेगा? जीरो। इस पर सभी जगह थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी? पाई। यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब के लिए कितना होगा? थीटा पाई, ठीक है ना। इसी तरह से हमने यहाँ फिक्स कर लिया कि इस वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे होंगे? पाई बाय टू। इसी तरह से यहाँ पर भी जितने पॉइंट रहे होंगे वो कितने एंगल बना रहे होंगे? माइनस पाई बाय टू, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तो बिल्कुल आसान हो जाता है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली बोर्ड पर पता चल जाती है कितनी होगी, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका प्योरली रियल और इमेजिनरी वाला नहीं है, तो आपको पता है कि आपने स्टार्टिंग के जैसे क्वेश्चन देखे थे बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। देखो, जेड इक्वल्स टू सबसे पहले लिख लोगे रूट थ्री प्लस आयोटा। अब जेड इक्वल्स टू इसको कंपैरिजन कराओगे एक्स प्लस आयोटा वाई से, फिर इसके बाद आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहला काम करना होगा मॉडुलस। सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है, सबसे पहले निकालना है मॉडुलस। और मॉडुलस किसके इक्वल होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो अंडर रूट एक्स यानी कि रूट थ्री प्लस वाई यानी कि वन। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास रूट थ्री आई थी और y की वैल्यू कितनी आई थी? 1। तो ये पुट कर दिया हमने x और y, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 3 प्लस 1 यानी कि 4, या हम कह सकते हैं r की वैल्यू कितनी? 2। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। अब मॉडुलस निकालने के बाद दूसरी चीज़ क्या निकालते हैं हम? आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट निकालिए। आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है। वाई कितना? 1। अच्छा, एक्स कितना? रूट थ्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा? टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट थ्री, और टेन इनवर्स ऐसे ही, ठीक है। 1 अपॉन रूट थ्री कब होता है? तो 1 अपॉन रूट थ्री होता है 10 में 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6 पर। तो 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा? पाई बाय 6, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों? अल्फा की। ये आपको समझ आता है कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला होता है मॉडुलस निकालना, दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट निकालना। आर्ग्यूमेंट में पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा निकालने के बाद हम किसको डिसाइड करते हैं? हम क्वाड्रेंट को डिसाइड करते हैं, तब हमारे पास थीटा निकलेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट को डिसाइड कर लेते हैं। पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, ठीक है। अब देखिए, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है? अल्फा के, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है किसके इक्वल होता है? पाई माइनस अल्फा के। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा के। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसके इक्वल होता है? माइनस अल्फा के। बट क्योंकि एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव है, तो थीटा भी इस टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा के, ठीक है। तो थीटा इक्वल होगा अल्फा के, मतलब थीटा की वैल्यू भी कितनी रही होगी? पाई बाय 6, ये आ जाएगा। तो अब आपको आर पता है, थीटा पता है, तो अब आपको पोलर फॉर्म लिखनी आती है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हुआ करती है, ठीक है। तो आर हमारे पास कितना है? 2। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 6 प्लस आयोटा, और थीटा की वैल्यू फिर से कितनी? पाई बाय 6। ये आपके सामने क्या लिख दी हमने? पोलर फॉर्म लिख ली, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप देख रहे हो एक जैसे ही हैं। मॉडुलस निकालना, फिर आर्ग्यूमेंट निकालना, फिर पोलर फॉर्म लिख देना, ठीक है ना। मॉडुलस निकालना बिल्कुल आसान है,
अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी वाले नहीं है, तो उनमें हम क्या करते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा निकालने के बाद क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर प्योरली या रियल या प्योरली इमेजिनरी वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर लाई कर रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो उस वाले केस में अगर यहाँ पर होता है ना, तो आंसर जीरो लिख देते हैं सीधा। अगर यहाँ पर इस पर लाई कर रहा होता है पॉजिटिव वाई पर, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर, तो वहाँ पर फाइव बाई टू लिख देते हैं सीधा थीटा की वैल्यू। अगर यहाँ पर लाई कर रहा होता है तो क्या करते हैं हम, पाई लिख देते हैं थीटा की वैल्यू। और अगर यहाँ पर लाई कर रहा होता है तो थीटा की वैल्यू क्या कर देते हैं, माइनस पाई बाई टू। अगर एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है तो फिर थीटा इसके इक्वल होता है। तो इस तरह से निकालते हैं। ये हो गया आपका सेवन्थ क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन गिवन है आयोटा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को जेड के इक्वल लिख लो, फिर इसको हम लिख लेंगे इस फॉर्म में, जीरो प्लस आयोटा लिख सकते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करा दो आप इसको, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, और वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वन, वाई वन है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, मॉडुलस निकालना, ठीक है। मॉडुलस निकाल लीजिए आप, वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अंडर रूट एक्स कितना, जीरो, और वाई कितना, वन। तो आंसर कितना आ जाएगा, आर का वन आ जाएगा, ठीक। आर पता चल गया, एक काम हो चुका। दूसरा काम क्या है, आर्गुमेंट निकालना, ठीक है। आर्गुमेंट यानी कि थीटा निकालना, मॉडुलस यानी कि आर निकालना, ठीक है ना। अब थीटा कैसे निकालें, तो आंसर है ये जो क्वेश्चन है इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है वो प्योरली इमेजनरी है, उसमें रियल वाला पार्ट नहीं है, वो प्योरली इमेजनरी है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो प्योरली इमेजनरी होते हैं या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं, ऑन द एक्सिस, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, ऑन द एक्सिस लाई करते हैं। तो अगर इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी नंबर है तो वो इमेजनरी वाली एक्सिस पर लाई करेगा, यानी कि इस वाली एक्सिस पर, है ना। ये वाली एक्सिस हमारी कौन सी है, इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी एक्सिस, ठीक है। और अगर रियल वाला अगर नंबर आ जाता है तो वो ये वाली एक्सिस पर लाई करता है, ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, रियल एक्सिस। अब रियल एक्सिस में भी हम इसको कहते हैं पॉजिटिव रियल एक्सिस, इसमें सब जगह थीटा की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है। और इसमें इसको हम कहते हैं नेगेटिव रियल एक्सिस, इसमें थीटा की वैल्यू सब जगह पाई के इक्वल होती है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, इसमें थीटा की वैल्यू सब जगह किसके इक्वल होती है, पाई बाई टू के इक्वल होती है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, इसमें थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू के इक्वल होती है। अब आप चेक कर लो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा है। तो आंसर है इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, और प्योरली इमेजिनरी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। अब क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा। अब पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, पाई बाय टू। तो यहाँ से हमें सीधा मिल गया कि थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, पाई बाय टू, ठीक है। तो अब आर पता है, थीटा पता है, तो अब हम लिख सकते हैं इसकी पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू कितनी है, वन, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय टू, और आयोटा फिर से साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय टू, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस और करा देता हूँ आपको। बताओ अगर कहीं पर टू आयोटा लिखा हो तो ये कहाँ पर लाई कर रहा होगा, तो आंसर है ये प्योरली इमेजिनरी है तो इस पर लाई कर रहा होगा। तो इसके लिए थीटा का बताओ डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, पाई बाय टू, ठीक है। इसका मुझे आंसर बताओ, अगर माइनस थ्री आयोटा है तो बताओ इसके लिए डायरेक्ट आर्गुमेंट का आंसर क्या लिखते होगे आप। तो इसका आंसर है कि ये प्योरली इमेजिनरी है और नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले पर लाई करेगा, और नेगेटिव वाले पर लाई करेगा तो थ्रू आउट थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। फिर से अगर मैंने आपको दिया फाइव आयोटा, फाइव आयोटा का बताओ कहाँ पर लाई करेगा,
तो 5 आयोटा प्योरली इमेजनरी है तो इमेजनरी एक्सिस पर लाई करेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर लाई करेगा। पॉजिटिव पर लाई करेगा तो बताओ इसका आर्गुमेंट कितना होगा, तो आंसर है पॉजिटिव एक्सिस के लिए आर्गुमेंट कितना होता है 5/2। इस तरह से आपको लेकर चलना होता है, ठीक है। तो आपको थीटा पता था, आर पता था, पोलर फॉर्म निकल गई, ठीक। तो ये हो गया आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना।